फार्मिंग में कहां और किस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आज के इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक गहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। रिसेंटली मैं कुछ बच्चों को वीडियो गेम खेलते हुए देख रहा था और वहां पे मैंने देखा कि चार कैटेगरीज थी, नूब, प्रो, हैकर, गॉड। ये चार कैटेगरीज थी जिसपे वो खेले थे और ये डिफ्रेंसिएशन देख के मुझे तो ये समझ में आ गया कि ये सेम चीज कहीं ना कहीं हम लोग भी फार्मिंग के बिजनेस में कर रहे हैं। कहते हैं जितना इंटेलिजेंट आपका सवाल होगा उतना इंटेलिजेंट और सटीक आपको जवाब मिलेगा। इसकी शुरुआत होती है थॉट लेवल से। थॉट लेवल मतलब सामने वाले को उस टॉपिक को देखने का नजरिया क्या है और वो कहां तक सोच सकता है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में यहां पे आपको नूब, प्रो, हैकर और एक गॉड, ये चारों के लेवल ऑफ थिंकिंग को मैं दिखा रहा हूं जिसके बेसिस पे अब आप डिसाइड कर सकते हो कि व्हाट एंड वेयर टू इन्वेस्ट इन फार्मिंग। यहां पर जो नूब है वो ऐसे फार्मिंग एंथुजियास्ट है जिनका ना तो कोई फार्मिंग बैकग्राउंड है, ना फार्मिंग का कोई तजुर्बा है और ना ही पुश्तैनी कोई जमीन है। ऐसे भी लोग होते हैं जो कि इंटरनेट में सर्च करके जितना भी उनको इंफॉर्मेशन मिल पाता है वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब नूब के बाद बात करते हैं प्रोज की। प्रोज मतलब हो गए प्रोफेशनल्स। तो ऐसे प्रोफेशनल जो इंटरनेट पे रिसर्च कर रहे हैं, अपना दिमाग भी लगा रहे हैं और एट द सेम टाइम किसानों से भी जाके बातचीत कर रहे हैं, तो इनके जहन में भी बहुत सारे सवाल होते हैं। तो ऑब्वियसली इनका जो थॉट लेवल नूब से एक लेवल या एक स्टेप आगे होता है। उसी तरीके से हम लोग अब बात करते हैं हैकर्स। हैकर्स कौन होते हैं? ये प्रोग्रेसिव सक्सेसफुल फार्मर्स होते हैं जिनको कि एक सक्सेसफुल होने का पैटर्न या तरीका पता चल गया है। ठीक है, तो ये कैसे सोचते हैं, ये इनका थॉट प्रोसेस क्या है? तो ये हैकर के बाद आते हैं गॉड लेवल में। गॉड मतलब भगवान नहीं, गॉड मतलब हो गया कि फार्मिंग को एक बिजनेस की तरह देखने वाले लोग। तो फार्मिंग में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो थॉट प्रोसेस क्या होता है, जब तक आपके सामने ये कंपैरिजन नहीं आएगा तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि आप किस तरफ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और वहां पे पहुंचने के बाद आपको कैसे फायदा हो सकता है। तो इसी के चलते ये चारों लेवल्स हम एक एक करके आपको एक्सप्लेन करते ही चले जाएंगे। तो चलिए जानते हैं नूब किस टाइप का प्रश्न पूछता है। सबसे पहले वो बोलता है शुरू करने में लागत कितनी लगती है, लाभ कितने समय में मिलने लगता है, प्रति एकड़ कितना उत्पादन होता है, या बीमारी कौन कौन सी आती है और कैसे उसे ठीक करें। बस इतने तक ही नूब का जो दायरा सीमित रहता है क्योंकि उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इंडस्ट्री के बारे में या फिर इस सेक्टर के बारे में या खेती बाड़ी के बारे में। तो अब चलते हैं प्रो की तरफ जो इससे एक स्टेप एडवांस है। प्रो कैसे सोचता है चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं फटाफट पढ़ के आपको बता दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ फार्म, उसके बाद हाउ मच प्रॉफिट वी कैन अर्न फ्रॉम फार्मिंग इन इंडिया, हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स टू मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम फार्मिंग, हाउ मच लैंड इज रिक्वायर्ड, व्हाट आर द टाइप्स एंड विच वन इज बेटर, दिस फार्मिंग और दैट फार्मिंग, इज इट मोर प्रॉफिटेबल एज पर यूटिलिटी एंड यूसेज। जैसे आप चिकन रेस कर रहे हो राइट, तो चिकन बॉयलर के मीट के लिए हो गया या फिर लेयर एग्स के हिसाब से, तो कौन सा करना बेटर होगा, ये कंपैरिजन उन लोग पूछते हैं प्रो लोग। इज ऑर्गेनिक और नेचुरल वे ऑफ फार्मिंग प्रॉफिटेबल, ये वो जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद इज नेटिव और देसी ऑर्गेनिक वैरायटी प्रॉफिटेबल, तो बेसिकली उनका जो ओरिएंटेशन होता है वो इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट इसके ऊपर ही फोकस रहता है ज्यादातर केस में। तो इस तरीके से प्रो का सोचना रहता है जो कि किसानों के साथ मिलके ये सारे सवालात का आंसर ढूंढना चाहते हैं, थोड़ा उनका थॉट पैटर्न थोड़ा एडवांस होता है। तो ये होता है प्रो का काम। चलिए प्रो के बाद स्टार्ट करते हैं हैकर्स की तरफ। हैकर्स कौन है? हैकर्स होते हैं प्रोफेशनली सक्सेसफुल किसान। तो ये कैसे सोचते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, वो सीधा मार्केटिंग में कस्टमर सेंट्रिक होने की बात करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, फार्म प्रोड्यूस को कहां बेचेंगे, कैसे बेचेंगे, किसे बेचेंगे, क्यों बेचेंगे, कितने दाम पर बेचेंगे, या प्रॉफिट कितना और कब तक मिलेगा। तो ये हैकर स्ट्रेट टू द पॉइंट,
मार्केटिंग की बात कर रहा है, सेल्स की बात करता है, तो उसी हिसाब से टू द पॉइंट वो आके इसी पे फोकस होता है, तभी जाके वो इतना सक्सेसफुल हो पाया है फार्मिंग में। अब नेक्स्ट आते हैं, तो चलिए अब बात करते हैं गॉड लेवल की, फार्मिंग को बिजनेस के तरीके से देखने वालों की। इनके लिए जो दो सबसे क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं कि पहला हो गया कि हाउ टू सर्वाइव एंड सस्टेन इन द मार्केट। देखिए, खेती बाड़ी शुरू करना काफी आसान है, बट फार्मिंग में सर्वाइव करना और उसके साथ सस्टेन करते रहना यह बड़ा मुश्किल है, और ये कैसे करना है फार्मिंग के सेक्टर में, यही जानना सबसे ज्यादा मिशन क्रिटिकल होता है। और उसके बाद दूसरा हो गया कि मंथली आपको रियलिस्टिक वे में कितना कमाना है और उतना कमाने के लिए क्या करना होगा। तो शुरू करते हैं हाउ टू सर्वाइव एंड सस्टेन इन द मार्केट। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना होगा क्या आपके कॉम्पिटिटर्स आपको इजीली कॉपी कर लेंगे, क्या आप एक सैचुरेटेड मार्केट का एक और हिस्सा बनने जा रहे हो या फिर एक कोलैबोरेटिव बिग इकोसिस्टम का पार्ट होने जा रहे हो, अपना साइड समझ लीजिएगा। दूसरा, क्या ये एवरग्रीन है, मतलब क्या आपका फार्म प्रोड्यूस हर दिन के काम में आता है, फैमिली के लिए, आपके क्लाइंट के लिए, सारे साल भर तक रेगुलर बेसिस में, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या आपके पास अगले 6 महीने का फेज बाय फेज एक्शन प्लान है फार्मिंग स्टार्ट करने का, क्या आपके फार्मिंग के ट्रेनर या कंसल्टेंट जाने या अनजाने में क्विकली आपके मार्केट को सैचुरेट करके उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं करने में लगे, है ना, क्योंकि वही सेम चीज हर कोई करेगा तो फिर आपकी वैल्यू कहां रह जाएगी, है ना। सो अगले 90 दिनों में अपने फार्म को फिनेंशियली सपोर्ट करने के लिए फार्म प्रोड्यूस के अलावा, क्योंकि वो दिन गए जब लोग सोचते थे कि फार्म से प्रोडक्शन लेंगे और वही बेच के कमा के करोड़पति बनेंगे, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियो ब्लॉगर्स दिख गए होंगे आपको कि लगाइए लाखों और कमाइए करोड़ों, होते हैं ना ऐसे हवा में बात करते हैं। देखिए, जब तक आपके फार्म में मनी मेकिंग एक्टिविटी नहीं होगी तब तक आप अगले 90 दिन तो क्या अगले 1 महीने में भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। 6 महीने के बाद आपके फार्म में लगने वाले खाद, बीज, दवाइयाँ, लेबर कॉस्ट, मैनेजमेंट कॉस्ट, ये सारे खर्चे कहाँ से आएंगे, उनकी बढ़ते जो चाहते हैं, मतलब पिछले बार तक अगर 200 रुपये पर डे के लेबराना अगर आप देते थे लेबर चार्जेस पर डे वाइज, तो आज 250 रुपया हो गया है, काफी सारे जगह पे 350 रुपया 450 रुपया तक आज के टाइम में हो गया है। तो उनके बढ़ते डिमांड को देखते हुए आप कैसे अपने फार्मिंग प्रोजेक्ट को सेल्फ फंडेड फार्मिंग प्रोजेक्ट करोगे। उसके बाद आपको ये भी फिगर आउट करना है कि व्हाट विल बी योर्स मनी मेकिंग मॉडल इन द शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म रेंज। क्या होगा वो मनी मेकिंग मॉडल अगले 3 महीने में, 6 महीने में और उसके बाद अगले 3 साल तक, क्या होगा वो मनी मेकिंग मॉडल। अकेला फार्म के प्रोडक्शन के भरोसे रह के आपका शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म जो मनी मेकिंग मॉडल है उसकी क्लैरिटी आपको नहीं मिल पाएगी, तो उसके लिए आप क्या करोगे। उसके बाद आते हैं व्हाट विल बी योर्स मनी मेकिंग एक्टिविटी ऑन डेली, वीकली, मंथली और ईयरली बेसिस, क्या होगा आपका मनी मेकिंग एक्टिविटी। ये आपको ट्रैक एंड ट्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फार्मिंग के सीडिंग से लेके सेलिंग तक, मैनेजमेंट से लेके मार्केटिंग तक, सब कुछ A to Z ये गॉड लेवल में देखा जाता है, और उसको देखते हुए पहले फिनांसिस को, इनकम को या मनी मेकिंग मॉडल को फोकस किया जाता है, और उसी को देखते हुए फार्मिंग का इन एंड अराउंड पूरा स्ट्रैटेजी बनाया जाता है। क्योंकि खेत में आप तो कभी भी उतर सकते हो, तो खेत में उतरना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, खेत में तो कोई भी उतर सकता है, बट खेत में टिके रहना, फार्मिंग के बिजनेस में प्रॉफिटेबल रह के टिके रहना, ये अपने आप में बहुत बड़ी कला है। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मंथली आपको रियलिस्टिक वे में कितना कमाना है, उतना रिक्वायर्ड फंड आपके पास है तो क्या करेंगे, क्या आपको अपने पैसे का सही बेनिफिट ROI मिलेगा। मतलब जहां एक जगह आप 2 रुपया लगा के 5 रुपया कमा रहे थे, वही दूसरे जगह पे आप वही सेम 2 रुपया लगा के 8 रुपया कमा जा रहे हो, तो इसे ही बोलते हैं कि अपने पैसे का सही इन्वेस्टमेंट करना। अब इसको कैसे इंश्योर करेंगे। उसके बाद उतना रिक्वायर्ड फंड आपके पास नहीं है तो क्या करेंगे, फार्मिंग का प्रोजेक्ट छोड़ने के बजाय अभी आप क्या कर सकते हो फार्मिंग में, तो ये भी आपको फिगर आउट करना काफी ज्यादा जरूरी है।
तो आशा करता हूँ व्हाट एंड वेयर टू इन्वेस्ट इन फार्मिंग में मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी दे दी, जहाँ पे आप नूब किस तरीके से सोचता है ये बताया, प्रो किस तरीके से सोचता है, हैकर किस तरीके से सोचता है, या फिर गॉड लेवल में जो फार्मिंग को एज अ बिजनेस की तरह देखते हैं उनका सोचने का तरीका कितना मैच्योर्ड है, वो भी आपको मैंने प्रैक्टिकली इस क्वेश्चनेयर के जरिए आपको समझा दिया है। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। आपको मार्केट में फार्मिंग स्टार्ट करना तो बहुत लोग सिखा देंगे, बट फार्मिंग में टिके रहना और वहाँ पे सर्वाइव और सस्टेन करते रहना ये कोई नहीं सिखाता किसान बिजनेस क्लिनिक की तरह। आप हमें इस दिए हुए नंबर पे फोन कर सकते हैं और आप हमसे पर्सनली जान सकते हैं कि कैसे प्रोफेशनल तरीके का ट्रेनिंग या प्राइवेट कंसल्टेशन लेने से आपको फायदा हो सकता है। तो ये जानने के लिए आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे फोन कॉल जरूर कीजिएगा। तो फार्मिंग बिजनेस से जुड़ी हुई कोई ऐसा ही प्रश्न या फिर ऐसा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि हम उसको कवर करें अपने आने वाले वीडियो ब्लॉग में, तो जरूर 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 उसको आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा।